कई बार आपने कुछ लोगों के नाखूनों पर सफेद रंग का चांद जैसा बना देखा होगा। हमारे हाथों की लकीरों के साथ साथ हमारे नाखूनों का भी सामुद्रिक शास्त्र में विशेष महत्व है। हमारे नाखून में आधे चांद का भी विशेष महत्व है। ये हमारे व्यापार संबंधी चीजों के साथ साथ शुभ और अशुभ चीजों के बारे में संकेत देता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में नाखून में चांद के बने निशान के बारे में बताएंगे। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक तर्जनी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों की तरक्की नजदीक है और कोई अच्छी खबर मिलने वाली होती है। मध्यम या बड़ी उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र को शनि की उंगली भी कहा जाता है। मान्यता है कि यदि इसके नाखून पर अर्धचंद्र जैसी आकृति बनी हुई होती है तो व्यक्ति मशीनरी या उद्योग संबंधी कामों में सफलता जरूर प्राप्त करेगा। यदि व्यक्ति की अनामिका यानी रिंग फिंगर के नाखून पर अर्धचंद्र की आकृति है तो व्यक्ति आने वाली लाइफ बहुत ही अच्छी व्यतीत करेगा और बेहतर जीवन जिएगा। यदि किसी व्यक्ति की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली के नाखून पर आधे चांद जैसा निशान है तो उस व्यक्ति को भविष्य में किसी चीज से लाभ मिलने की संभावना रहती है और वो लाभ सिर्फ बढ़ता ही जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के नाखून पर आधे चंद्रमा जैसी आकृति बनी हुई होती है तो उस व्यक्ति को जल्दी ही ऐसा शुभ समाचार मिलने की उम्मीद रहती है जिससे उसे आशातीत और अचानक सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आपके नाखून पर अर्धचंद्र जैसी आकृति करीब आधा नाखून तक कवर कर रही है तो ये बुरा संकेत होता है। साथ ही जिन लोगों के किसी भी नाखून पर अर्धचंद्र जैसा निशान या आकृति नहीं होती उनका मेटाबॉलिज्म खराब रहता है और सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती है।